स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल कुक स्पाइसी विद पवन पर। दुर्गा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों दुर्गा अष्टमी पे हम जब कंजके देते हैं तो ये शिकायत आती है कि जो उसमें काले चने बनाए हैं वो ठीक से गले नहीं हैं या थोड़े फीके फीके हैं। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी एक रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें कि हमारे ये जो काले चने हैं वो बहुत ही मसालेदार और मसाले से लिपटे हुए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप काले चने लिए हैं और रात भर उनको भिगोया है, और भिगोने से पहले मैंने उसके बीच में एक चम्मच मैंने उसमें नमक डाला है। तो नमक से क्या होगा कि जो चने की स्किन है वो पतली हो जाएगी और ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी, और दूसरा नमक भी उसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके बीच में चने और वही पानी जिसमें चने भिगोए थे वही पानी उसके बीच में डाला है, क्योंकि उसमें बीच में बड़ी एनर्जी होती है। तो 1 कप चने लिए थे तो 3 कप मैंने उसके बीच में अभी ये पानी डाल दिया, और इसके साथ ही 1 मोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल दिया। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो और साथ में ये जो नमक है ये चनों के एकदम बीच में चला जाता है और ये फीके से नहीं रहते। दूसरी चीज़ अभी मैंने इसके बीच में 2.5 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया, 1 चम्मच मैंने इसमें देसी घी का डाल दिया और 1 काली इलायची डाली थी। तो घी से क्या होगा कि जो जब ये कुकर सीटी मारेगा तो पानी बाहर नहीं आएगा। तो अभी ये कुकर बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इसमें कम से कम 7-8 सीटी आने तक हम इसको कुक करेंगे। तो अभी 7-8 सीटी आ गई है, तो अभी हम ये कुकर खोल कर देखते हैं कि हमारे चने कैसे बने हैं। तो ये चने ये देखिए कि बिल्कुल गल गए हैं, और अगर आप अभी मैं हाथ से मसल कर दिखाता हूँ आपको, तो ये हाथ से अभी गर्म है, तो ये थोड़े ये देखो मसलने से एकदम से ये मसले जा रहे हैं और ये बिल्कुल गल गए हैं। अभी इसके साथ ही हम चनों का मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने कोई 1.5 इंच का अदरक लिया, 2 हरी मिर्च और थोड़े से चने जो हमने उबाले हैं वो इसके बीच में डाल के इसको पीस लिया, और अभी इसके बीच में आप 7-8 काली मिर्च, 2-2.5 चम्मच लाल मिर्च के और 3 चम्मच आपने इसके बीच में हरे धनिया का डाल लें, क्योंकि सूखे धनिया का डालें क्योंकि सूखे धनिया का बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसमें आता है। और साथ ही आपने इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच डालनी है, और उसके बाद वही पानी जो हमने चने उबाले थे 1 कड़छी डाल के थे इसको हमने पीस लेना है। तो ये पीसने के बाद हमारा जो मसाला है अभी बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल ही बढ़िया हमारा ये मसाला भी बन गया है। तो यही मसाला भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के बीच में मैंने 3 चम्मच जो है मैंने देसी घी के डाले हैं। आप जो भी घी या कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप लेके वो डाल सकते हैं। और इसके बीच में 1 छोटा चम्मच मैंने जीरे का डाल दिया, तो जीरा भी इसमें थोड़ा सा भुनेंगे, और साथ में कोई 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसके बीच में हींग का डाला है। और ये डालने के बाद आप थोड़ा सा इसको मिला लीजिए, और जो हमने मसाला अभी मिक्सी में तैयार किया था वो सारा मसाला इसमें डाल के हम अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए कि अभी हमारा मसाला जो है वो अब आपने इसमें जो आँच है उसकी गैस की वो आपने बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि मसाले डाले हैं तो वो जल सकते हैं। तो जैसे ये हो जाता है मसाला थोड़ा सा, तो आप इसके बीच में 1 छोटा चम्मच सेंधे नमक का और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसमें आप भूनना अभी स्टार्ट कर दें। तो जैसे जैसे मसाला गाढ़ा होता है थोड़ा सा पानी डाल लें, और ये देखें कि मसाला है हमारा वो अच्छी तरह से भून गया, क्योंकि तेल अभी ऊपर आ गया। तो जो अभी हमने चने उबाले थे वो पहले हम इसके बीच में चने डालेंगे, और चने को मिलाने के बाद हम इसके बीच में पानी डालेंगे। तेज़पत्ता और जो काली मोटी इलायची हमने डाली थी इस स्टेज पे आप उनको बाहर निकाल लें, क्योंकि उनका काम अभी हो गया है। तो अभी आप ये चने पहले इसके बीच में डालें, और फिर उसके बाद उसका जो पानी है वो डाल के आप इसको अच्छी तरह से अभी हमने थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, बड़े आराम से इसको पकाना है ताकि चने जो हमारे वो अच्छी तरीके से पक जाएँ। तो ये देखिए कि अभी हमने जो पानी डाला, मसाले हमारे सारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो यही मसाले जो हैं अभी सूख जब ये हमारी ग्रेवी सूखेगी तो यही मसाले सारे इसके जो चने हैं इनके ऊपर लिपट जाएंगे, और हर एक चने के ऊपर जो मसाला लिपटेगा वो खाने का अलग ही मज़ा होगा।
तो आपने इसी तरीके से अभी इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क लें और उसके बाद आप इसके ऊपर गरम मसाला एक चम्मच छिड़क लें और भुना हुआ जीरा जो है वो भी आप इसके ऊपर डाल दें, और ये डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिला लें, और लास्ट में हम इसके ऊपर जो है कोई एक चम्मच आमचूर पाउडर का भी डालेंगे और उससे स्वाद जो है चने का और भी निखर जाएगा। तो ये देखिए कि अभी हमारे चने के जो हम बना रहे हैं हर एक चने के साथ मसाला जो हमारा अच्छी तरह से अभी लिपट गया है। तो यकीन मानिए कि अभी आप ये सिर्फ व्रत का ही नहीं, अगर बाद में भी कभी बना के ये खाना चाहें तो आप बना के इसको खा सकते हैं। एक एक चने के दाने के ऊपर हमारा ये मसाला भी लिपटा हुआ है और बहुत ही टेस्टी ये हमारे अभी ये चने बने हैं। तो अभी हमने ये इसके ऊपर जो आमचूर पाउडर है वो हमने इसके ऊपर ये भी ये डाल दिया है, और ये हमारा लास्ट टच था। तो ये चने अभी हमारे ये बिल्कुल अभी ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत अभी मॉइस्चर है वो इसमें ये चने हमारा ऑब्जॉर्व कर लें। तो दोस्तों अभी हमने ये जो फ्लेम है अभी हमने उसको अभी ये बंद कर देना है और इसको चनों को कुछ देर के लिए हम अभी रेस्ट पे रखेंगे। तो चने हमारे अभी ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, तो अभी फ्लेम ये बंद कर दी है। और दोस्तों अभी हम प्लेटिंग करेंगे, तो एक बाउल में ये आप चने निकालिए और उसमें जिंजर वेजीज अदरक के पतले पतले टुकड़े काट के आप उसके साथ सजाएं, एक हरी मिर्च एक नींबू साथ रखें, खाने से पहले नींबू निचोड़ दें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा इसका आपको खाने में आएगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।